हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वाचिंग ऑलवेज राहुल, अ वेरी वेरी वेलकम टू एवरीवन। और ये व्लॉग इतना एनर्जी से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आज मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है करने को, क्योंकि कल मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में मेंशन करा था मेरे को सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि हो सकता है रात को थोड़ा फीवर आया था। सुबह मैं जैसे उठा तो मेरा बॉडी हैवी हैवी सा लग रहा था, हल्का सा वार्म था बॉडी। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि फीवर आया था कि नहीं। सो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज कॉलेज नहीं जाते हैं, आज स्किप करते हैं, वो सही रहेगा। आज मैं कॉलेज नहीं गया, आज मैंने स्किप करा। सो या वाचिंग मुंबई का निखिल्स ब्लॉग, जस्ट एंडेड वाचिंग हिज ब्लॉग। और अभी बैठ के मैं सोच रहा कि थोड़ा पढ़ूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस सोचना ही हो जाता है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है लाइफ में। सो यही मेरा अभी मेंटल सिचुएशन यही है कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं। जितना कम सोचोगे और जितना करोगे, वही चीज़ चाहिए मेरे को अभी, कि मैं जितना कम सोचूं और जितना ज़्यादा हो सके करूं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, सो बैक टू बैक ब्लॉग्स अभी आएंगे। ओके गाइज, तो आज का प्लान ये था कि आज अपन जाने वाले थे गिरीश पार्क। गिरीश पार्क यहाँ से अराउंड 25-22 किलोमीटर दूर है, मतलब बहुत टाइम लगता है कोलकाता में। 25-22 किलोमीटर ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है ड्यू टू द ट्रैफिक। पूरे कोलकाता में मेट्रो नहीं है, तो कुछ कुछ जगह पे मेट्रो है। सो अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो गिरीश पार्क जाना रहेगा, तो मेरे को पहले यहाँ से बस पकड़ के कोरोनामोई जाना पड़ेगा। कोरोनामोई से मेट्रो पकड़ के मेरे को जाना पड़ेगा सियालदा, फिर सियालदा से मेट्रो पकड़ के मेरे को जाना पड़ेगा स्प्लैनेट, फिर वहाँ से मेरे को टोटो लेके जाना पड़ेगा। लेकिन आज मेरा तबीयत इतना खास नहीं है, मैं ऐसे भी मैं आज कॉलेज नहीं गया हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ नहीं जाते हैं। यहाँ पे जगद्धात्री पूजा हो रहा है, तो यहाँ पे आके आप आराम से वीडियो शूट करो, फोटो शूट करो, जो करना है करो, प्रमोट करो आप हमारे जगह को, और आप भी अपना कंटेंट शूट करो। लेकिन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फिर जाऊँ, और क्योंकि आपको भी पता है हेल्थ इज़ वेल्थ। सो उसी पे थोड़ा भी स्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने सेहत पे ना खाने पे कुछ कोई भी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखा है, लेकिन अभी अभी करने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो गाइस, और एक चीज़ मैं वीडियो में बताना चाहूँगा, आप लोग वीडियो देखते तो हो, मेरे को पर्सनली DM पे आके मैसेज करते हो, जितने भी मेरे दोस्त हैं वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो। सो अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मेरे को समझ नहीं आएगा कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो, या आपके दिमाग में कुछ अगर लग रहा है कि हाँ ये बंदा यहाँ पे गलती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और यहाँ पे अगर अच्छा कर रहा है तो बोलना चाहिए, या ख़राब कर रहा है तो बोलना चाहिए। तो वो सारे चीज़ आप अगर नहीं बताओगे मेरे को, तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एल्गोरिदम मैटर, एक क्रिएटर के लिए एल्गोरिदम ही सब कुछ है। आप जितना हो सके लाइक कमेंट ये सब करो, और शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, वीडियो अगर देख रहे हो तो। बस आगे देखते जाओ इस वीडियो को भी ट्राई करेंगे कि रूम के अंदर ही हो सके तो कुछ अच्छा करने का। और मैंने माइक अटैच नहीं करा है, और मैं अभी हेडफोन से ही वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज, अभी लंच करने का वक्त आ गया है, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने। आज बेसिकली मैं घर पे जितना भी काम था, थोड़ा कपड़ा वपड़ा धोना था, वो सब मैं कर रहा था, और बस वही सब काम करा, और मैंने कुछ नहीं करा, थोड़ा आराम किया आज को। अभी बाहर जा रहा हूँ लंच करने, आज जल्दी लंच कर ले रहा हूँ क्योंकि मैच है 1:30 बजे से, तो मैं चाहता हूँ कि लंच कर लूँ आराम से, उसके बाद मैच देखेंगे। तो गाइज, ये अभी मैंने पिलो लाया, ये करीब मेरे को 100 का पड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई पिलो नहीं था, तो रात को सोने में बहुत तकलीफ हो रहा था। सो अभी खोलते हैं डोर। सो गाइस, अभी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच जो है स्टार्ट हो चुका है, और मैं अभी वही देख रहा हूँ बैठ के। सो अभी मैं फ़ोन को फिलहाल तो रख दूंगा बाजू में, लंच कर लिया, और ये पिलो जैसे कि आपने देखा कि मैं लाया हूँ, 100 रुपीज़ पड़ा मेरे को, 130 बोल रहा था, बट मैंने वो थोड़ा बार्गेन करने का ट्राई करा, तो फिर वो हो गया 100 में मैनेज हो गया था। सो अभी मैच देखता हूँ, फिर फ़ोन को थोड़ा चार्ज करता हूँ, फ़ोन में चार्ज नहीं है, 40 के नीचे आ गया है चार्ज, तो फिलहाल चार्ज करता हूँ, उसके बाद आपसे। ओके गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, सॉरी फॉर नॉट ब्लॉगिंग। मैंने बोला था कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूटीन की माँ बहन एक हो रखी है। रात को कब सो रहा हूँ, सुबह कब उठ रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं है। कभी ज़्यादा जल्दी सो जा रहा हूँ, कभी काफ़ी लेट सो रहा हूँ। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैं थोड़ा बाहर गया था घूमने के लिए ऐसे ही। सो मैंने उस टाइम ब्लॉग तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने सोचा था कि ITC रॉयल बंगाल बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इस कैमरा में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, क्योंकि लो लाइट में ऐसे ही आपको पता है ये सब लेंस उतने अच्छे से लाइट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। सो फुटेज उतना सही तो नहीं आया, लेकिन वीडियो को डालने लायक आया है, तो आशा करता हूँ आपको वो अच्छा लगेगा। आप जाके देखो, एंजॉय करो, फिर आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग।
गाइस, तो अभी फ्लैट में कोई भी नहीं है। काफ़ी सारे अपने दोस्त आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वो चीज़ कैमरा पे नहीं डाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऑकवर्ड मोमेंट बन जाए। क्योंकि बहुत कोई क्या होता है कि कैमरा पे कंफर्टेबल नहीं होता है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, सो नहीं दिखाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अंटिल अनलेस कोई सामने से कंफर्टेबल हो। सो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। सो आज थोड़ा बहुत लंच करा हमने, पार्टी वार्टी करा, फिर उसके बाद वो लोग चले गए। अभी फ्लैट पूरा खाली हो रखा है, कोई नहीं है यहाँ पे। गाइस, कल मैं जब कॉलेज गया था, कॉलेज के बाद एक इंडक्शन हुआ था, इंडक्शन के बाद काफ़ी मौज मस्ती हुआ था, नाच गाना हुआ था, वो भी मैंने थोड़ा शूट किया, वो भी आप देख लो उसके बाद ब्लॉग में। आगे गाइस, कुछ तो अभी इवेंट है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो सापुर जी में कुछ लोग आए हैं जो ठहर रहे हैं अभी बंदे के फ्लैट में। वो बंदा 97 ऑक्टेन का बंदा है। अगर आपको 97 ऑक्टेन नहीं पता है तो मैं बता देना चाहूंगा, दुर्गापुर और कोलकाता में मतलब बंगाल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइकर ग्रुप है 97 ऑक्टेन। बेसिकली उनके कुछ मेंबर्स बाहर आए हुए, तो बाहर एकदम जोरों शोरों की आवाज़ चल रही है, क्योंकि ZX10R, फिर S1000RR, BMW S1000RR जैसी बाइक बाहर खड़ी। कभी कभी वो रेप दे रहे हैं तो साउंड आ रहा है अंदर तक। इनलाइन फोर का साउंड इज नेक्स्ट लेवल, क्योंकि एड्रेनलिन रस आ जाता है वो साउंड।